गोदरेज बंडल काउंटिंग मशीन, ये फ्लोर मॉडल है, आप इस मशीन में बंडल काउंट कर सकते हैं। इसकी जो फीचर है, ये चेक मोड है, जो अगर आपका 100 से कम होगा तो वो आपकी बीप की तरह आवाज दे देगा कि ये 100 से कम है। बैच मॉडल, जैसे आप इसमें 50-50 नोट का बैच बनाना चाहे तो आपका ये 50-50 नोट का बैच, मतलब आप जो भी सेटिंग करेंगे उसमें ये बैच बनेगा। फ्री मॉडल, अगर आप चाहते कि मैं बैच बना रहा हूँ 50-50 का, तो ये बीप ऊपर चेक वाला ऑप्शन बार बार आएगा, उसके लिए आपको फ्री ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड स्टैम्पिंग पहले ही चलता था, बट अभी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपके 100 नोट होगा तो मशीन ओके करके स्टैम्पिंग दे देगा कि हाँ 100 नोट पूरा है, डिस्प्ले में शो भी करेगा और ये भी क्लियर कर देगा कि हाँ जी आपका 100 नोट्स है। ये फ्लोर मॉडल्स है एंड इसके नीचे व्हील लगा हुआ है, आप इसको कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं। ये आपके 100 नोट्स हैं और ये ओके एकदम, और इसमें किसी तरह का कोई बिप्स नहीं आ रहा, ये आपका खाली चेक मोड में आपका। अब ये 100 से कम है तो ये आपका बार बार बिप्स के थ्रू इंडिकेट कर रहा है कि इसमें नोट 50 है, एंड आपको बिप के थ्रू ये इंडिकेट कर रहा है कि मशीन में जो नोट दिया गया वो 50 नोट है, मतलब 100 से कम है, तो ये आपको बार बार ये बीप की तो बजेगा क्योंकि ये आपको इंडिकेट करेगा। इसके अंदर ऐड मोड है, बैज मोड और चेक मोड। अगर 100 से कम हो गया तो आप वो चेक मोड में है, और अगर आपका ऐड मोड है कि ये मशीन आपको काउंट ऑटोमेटिकली ऐड मोड में आपका ये कि हमने ऐड मोड दबाया, अभी जैसे चेक मोड आएगा तो आपको अगर 50 से कम है तो आपको ये इसके थ्रू फिर आपको बैक करना पड़ेगा। अब देखेंगे, मैंने ऐड मोड दबाया अभी और ये आपका ऑटो है चल रहा है, अभी जैसे आप नोट रखेंगे ऑटोमेटिकली मशीन चल रहा है। ये देखिए, ये ऐड मोड हो गया मशीन, जैसे ये आपका 2100 नोट आ गया, तो ये आपका ऐड मोड आ गया कि मशीन ये काउंट कर रहे हैं बंडल कि कितने नोट आप अभी तक इसमें कंटिन्यू काउंट कर रहे हैं, तो आपका ये ऐड मोड की फीचर के हिसाब से ये दे रहा है। ये आपका एक्सटेंशन
डिस्प्ले के लिए अगर ऑप्शनल है, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्प्ले अगर चाहिए तो आपको ये ऑप्शन दे रखा है कि आप एक्स्ट्रा डिस्प्ले ले सकते हैं, और उसको आपको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा।